यूपी पुलिस ने आज यातायात माह का शुभारंभ किया। बिजनौर में पुलिस और यातायात पुलिस ने यातायात नवंबर माह का भव्य आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। पुलिस लाइन में डीएम और एसपी दोनों बड़े अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली निकाली। इस जागरूकता रैली में शहर के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। इस जागरूकता रैली का मुख्य मकसद होने वाले सड़क हादसों को रोकना है। वहीं जिले के डीएम और एसपी ने जिले की जनता से सतर्क होकर वाहन चलाने की अपील की, तो वहीं शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील भी की गई। संशोधन उसमें परिमार्जन, उसमें लोगों जिनका नाम ऐड करना है, जिनका नाम संशोधित करना है, जिनकी डेथ हो गई उनको उसमें से डिलीशन करना है, या जो लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए उनका डिलीशन करना है। इस अभियान में भी मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि इस अभियान में भी आगे आए और स्वस्थ मतदाता सूची तैयार करके, बिल्कुल शुद्ध रही मतदाता सूची तैयार करके, लोकतंत्र के जो हमारा आपका दायित्व है उसको हम लोग पूरी मजबूती, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पूर्ण करें। मैं इसका आह्वान करता हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी बालिकाएं हमारे सामने हैं, जो इन बालिकाओं के साथ ही साथ हम सभी को साथ में खड़े होकर के महिलाओं के प्रति जो सम्मान है, महिलाओं का जो अधिकार है, महिलाओं को जो आगे बढ़ करके समाज को दिशा देने का जो मुद्दा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुकूल हम सभी खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। जनपद बिजनौर के सभी अधिकारी वर्ग, पत्रकार बंधु, सम्मानित नागरिक और प्यारे बच्चों, आप सभी से इन मुद्दों के आगे आकर के सहभागिता पूरे उत्साह के साथ करने की मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कमजोर कार्यरूप रूप से कमजोर बैट्समैन अच्छा रन और पूरे संसार का अच्छे बैट्समैन है, सिर्फ इसी वजह से मेरे ख्याल से ये उदाहरण ज़्यादा अच्छा है कि जब सड़क पर आप चलें खुद एकाग्रता कंसंट्रेशन के साथ, अगर आपस विपत आती है दूसरे आप टाल सकते हैं। क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पर खड़े हैं, इसमें आपकी प्रतिभागिता सराहनीय है, इसके लिए आपको शुभकामना धन्यवाद। डी एफ साहब आए हुए हैं एक गौरवान्वित करने के लिए इस ट्रैफिक माँ को। इनके उद्घाटन से हम समझते हैं कि आई एस साहब हैं, सारे लोग सारे भाग मिल करके इसको आम जन तक ले चलेंगे। और यहाँ पर करने की ट्रकों से गाड़ियों से जो एक्सीडेंट होता है, चीनी मिल वालों की एस सी साहब अगर से मीटिंग करके उसको बताएंगे। हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मौतें बिजनौर जनपद में होती हैं, इसके छोटे छोटे अनेक कारण हैं, उससे हम मुक्त होने के दिशा में ये मेरा ट्रैफिक मार्ग में ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे हम मुक्त होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।